हेलो फ्रेंड्स, और एक नाबड़ी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं अभी अभी इंडोनेशिया की जाकर्ता में ख़त्म हुआ है मेंस एशिया कप 2022। अब 2023 की जो FIS हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कुछ सूचना देने वाला हूँ। तो ये क्या है सूचना, उसी के बारे में चलो इस वीडियो में पता करते हैं। तो आप लोग हॉकी प्रेमी है, हॉकी के बारे में जो भी सूचना आता है उस पर आपकी नज़र रहता है। मैं बार बार हॉकी के बारे में भी आप लोग को सूचना देते आ रहा हूँ। तो आज ये एक सूचना मुझे मिला तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर की जाए, क्योंकि आप लोग हॉकी प्रेमी है। तो अभी अभी एशिया कप 2022 ख़त्म हुआ है। तो ये जो एशिया कप ख़त्म हुआ है उसमें से चार टीम 2023 जनवरी 13 से शुरू होने वाला FIS ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे। तो 2023 जनवरी 13 से शुरू होने वाला FIS हॉकी ओडिशा वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है, इसमें एशिया कप से चार टीम हिस्से लेने वाला है। तो ये जो चार टीम है उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो एशिया कप अभी अभी ख़त्म हुआ है, इस इवेंट से चार टीम 2023 जनवरी 13 से शुरू होने वाला FIS हॉकी ओडिशा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये जो चार टीम है, इंडिया, जापान, कोरिया और मलेशिया, ये चार टीम वर्ल्ड कप हॉकी में हिस्सा लेंगे। तो ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया की ओडिशा का जो कलिंग स्टेडियम है और राउरकेला का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इसमें विश्व की चुने गए 16 टीम हिस्सा लेंगे। तो ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप FIS की तरफ से होने वाला है, इसमें विश्व की चुने गए 16 टीम हिस्सा लेंगे, जिसमें चार टीम एशिया कंटेस्टेंट होंगे। तो ये जो चार टीम है वो है कोरिया, इंडिया, जापान और मलेशिया। तो ये जो चार टीम क्वालिफाई किए हैं उसी के बारे में आप लोग को बताना था, इसीलिए ये वीडियो बना दिया। मुझे लग रहा है हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरेंद्र लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।